Hello students, how is it going? All okay? Okay, so let us start our class. First of all, tell me where we were. I think we were doing exercise. So I think some exercise was remaining in our last class. So let us complete that. Take out your book. Students, take out your book. Open the page number 11, your English book. Open the page number 11. In our last class, we had done this answer this question, all these question. I hope you have note down your all question answer. Now the turn is use these words. Fill in the blanks with words and phrases from the box given below. कि ये बॉक्स पे कुछ फ्रेशेस दिए हुए हैं, इन्हें पढ़कर इन्हें अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद ये जो आपके सेंटेंस हैं इन्हें ब्लैंक्स में भी फिल करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस गिवन फ्रेशेस. ओके, फर्स्ट इज चिक्स एंड बिकम हॉलो. चिक्स हैड बिकम हॉलो, मतलब जो गाल है वो एकदम खोखले हो गए. खोखले मतलब ऐसे जैसे ट्रंक हो जाता वैसा नहीं, चिपक गए है ना. द ओनली आई विटनेस टू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सिर्फ एक ही आई विटनेस है. द बॉय वंडर्ड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बॉय यहाँ वहाँ घूमा. वंडर्ड मतलब घूमा फिर है ना, घूमना या खोजना, भटकना. पूरा दिन लड़का घूमता रहा. We were plugged by the mosquitoes. हम क्या बोलेंगे, क्या हो गए, परेशान हो गए. Plugged हो गए means परेशान हो गए मच्छरों से. Poverty मतलब गरीबी. He is simpleton, बहुत ही simple है, बहुत ही साधारण व्यक्ति है, बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है. Many Indians go abroad, बहुत सारे Indians abroad जाते हैं. So ये meaning पता चल गई. And let's start completing this exercise. Let's start. First of all, we could not sleep for a moment because हम एक भी क्षण नहीं सो पाए क्योंकि क्या हो सकता है, we were plugged by the mosquitoes. So यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा. प्लग्ड बाय दी मॉस्क्यूटोज. गॉट इट. लेट्स मूव नेक्स्ट. ब्लैंक इज वन ऑफ द रीजन व्हाई विलेजर्स लीव देयर विलेज एंड कम टू द सिटीज. What will be here? यहाँ क्या होगा, that will be poverty. Poverty is the reason. यहाँ क्या होगा, poverty. Poverty is the one of the reason why villagers leave their villages and come to the cities. Okay, next, let's move next. The police was searching for the old woman as she was. क्या थी, तो as he was the only eyewitness to the accident. क्या थी वो, एक अकेली आई विटनेस थी. सो वी हैव टू राइट हियर the only eyewitness to the एक्सीडेंट. गॉट इट. सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट विल बी नंबर फोर. ब्लैंक फॉर हायर एजुकेशन. सो मेनी इंडियंस बिकॉज इंडिया, इंडियन मीन्स एक नाउन है, इसलिए हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख रहे हैं. मेनी इंडियंस एंड वी हैव टू राइट फर्स्ट लेटर ऑल्सो सॉरी दिस नॉट दिस वन वी हैव टू राइट
first letter also in capital. Many Indians go abroad. Many Indians go abroad for higher education. Got it? In number five, what will be? Blank searching for her, his father. The boy wandered throughout the day. The boy, हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है ना उसे कैपिटल में लिखते हैं. सो हियर वी राइट दी इटी इन अ कैपिटल लेटर. द बॉय वंडर्ड थ्रू आउट पूरी तरह है ना. थ्रू आउट द डे पूरे दिन घूमता रहा भटकता रहा सर्चिंग फॉर हिज फादर अपने फादर को खोजते हुए. नेक्स्ट इज नंबर सिक्स. डू नॉट गिव हिम मनी उसे पैसे मत दो. पीपल विल चीट हिम उसे लोग बेवकूफ बनाएंगे. एज क्यों ही इज अ सिंपलेटन बिकॉज एज ही इज अ सिंपलेटन वो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है. इज अ सिंपलेटन. Got it? Next, number 7. Due to illness, बीमारी के टाइम she had become very thin. बहुत पतली हो गई. वह बहुत पतली हो गई. And her cheeks had become hollow. Cheeks है उसके गाल जो है बहुत अंदर घुस गए. Cheeks had become hollow. So, I hope you had write down in your book. और अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए. इसे आप अपनी अपनी बुक में नोट डाउन करिए. नॉट इन नोट बुक इन योर बुक. जो भी चीज़ों के लिए ब्लैंक्स ऑलरेडी दिया हुआ है उसे आप बुक में ही फिल करेंगे. जिनके लिए ब्लैंक्स नहीं दिया उसे आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. सो नेक्स्ट इज लिसनिंग. लिसनिंग वर्क एज यू नो लिसनिंग वर्क में क्या होता है. कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हमें केयरफुली जिनके प्रोनंसिएशन अलग होती है ना. सो हियर इज गिवन बरी. सो ये लिखा क्या है बुरी बट हम पढ़ते क्या है बरी. यहाँ पास अर्न यर्न लिखा है बट हमें पढ़ते इसे अर्न. यहाँ पास डिलीजेंस लिखा है बट हम पढ़ते इसे पढ़ते क्या है डेलीजेंस. डिलीगेंस ना होकर डेलीजेंस पढ़ते हैं. सो ये सारे वर्ड्स हैं इन्हें बार बार आपको प्रोनंसिएट करना है. ओके स्टूडेंट. सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट. दिस इज योर ग्रामर पोर्शन पेज नंबर 12 पेज नंबर 13. यू कैन सी पेज नंबर 13 एंड पेज नंबर 14. इन दिस थ्री पेजेस आर योर ग्रामर पोर्शन एंड इट विल बी टेकन बाय एडविन सर. एज आई सेंट यू अ मैसेज इट ऑल योर ग्रामर पोर्शन ऑफ योर बुक इज विल बी टेकन बाय एडविन सर. एडविन सर आपके ग्रामर पोर्शन को आपको पढ़ाएंगे. सो यू हैव रिसीव यू विल रिसीव अ सेपरेट वीडियो ऑफ दिस पोर्शन एंड आई होप बहुत अच्छे से आप इसे लर्न करेंगे. सो आई एम लीविंग दिस पोर्शन एंड लेट्स मूव इन नेक्स्ट पेज. हियर इज गिवन टॉक टाइम. टॉक टाइम में क्या है कुछ भी नहीं है पर टॉक टाइम में सिर्फ बातें करनी है. जस्ट लाइक यहाँ पास एक पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने के बाद एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है इन योर क्लासरूम और टीचर्स की हेल्प करनी है. एक पंचतंत्र की जो स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने में. सो ये तो क्लास में ही हो सकता है. सो लेट अस फाइंड आउट. हियर इज गिवन सम डिस्कशन. डिस्कस दिस क्वेश्चन इन योर क्लास. क्लास में ही डिस्कस करना है. इट इज़ अ ओरल एक्सरसाइज. सो आपको इसको ओरली करना है. रिटन में कुछ नहीं करना है. हैव यू एवर डन एनी थिंग रॉन्ग नोइंगली और अनोइंगली. कभी आपने कुछ गलत की जानबूझ कर या अनजाने में गलत किया. वर यू पनिश्ड फॉर यंग योर रॉन्ग डूइंग. कभी आपको इसके लिए मिला या आपको डिस्कस करना है इसके लिए पनिशमेंट मिली. डिड इट हेल्प यू टू लर्न अ लेसन एंड स्टॉप्ड बाय यू फ्रॉम डूइंग stopped you from doing any wrong again. फिर क्या आप इनको इससे कुछ लेसन मिला और आपको इसने कभी रोका है ऐसा आगे दोबारा गलती करने से. Did you receive any reward for any good deeds? कभी अपने अच्छे काम के लिए किसी कुछ मिला आपको रिवॉर्ड मिला.
सो लाइक दिस आपको ये करना है कंप्लीट. क्रिएटिव राइटिंग इज ऑल्सो अनदर थिंग, विल टेक इट इन आर नेक्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट दिस इज सफिशियंट फॉर टूडे. आप इसे पढ़ लेंगे और क्या करेंगे, इसके पढ़ने के बाद आपको इसे फाइंड आपको खुद से ओरली एक्सरसाइज करनी है. ओके सो क्रिएटिव राइटिंग विल बी टेकन इन आर नेक्स्ट क्लास. सो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास टूडे.